वेलकम टू बनारसी भोज। आज हम बना रहे हैं कंप्लीट मील, मिक्स दाल का चीला और रसम। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसके लिए पहले से थोड़ी तैयारी करके रख लीजिएगा तो इजी होता है। दाल है, दालों में हमने चना दाल, मूंग दाल और चावल लिया है, साथ ही थोड़ी उड़द दाल और एक चम्मच मेथी। रसम के लिए लाल टमाटर 4-5 और 4-5 मीडियम साइज के प्याज, थोड़ा सा चुकंदर कलर के लिए, साथ ही इमली और गुड़, 8 से 10 लहसुन की कलियां, करी लीव्स और अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा वाइट विनेगर और ऑयल। मसालों में नमक, मस्टर्ड सीड और लाल मिर्च, सांभर मसाला। दाल और चावल को हमने धो के भिगो लिया था। 4 से 5 घंटे में दाल चावल एकदम अच्छे से फूल जाती है। और अब इसका महीन पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये घोल बहुत गाढ़ा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। इमली को भिगो के रख ले। और अब हम अपने रसम की तैयारी करेंगे। टमाटर और प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काट ले। अदरक और हरी मिर्ची, साथ ही लहसुन की कलियां और थोड़ी सी मीठी नीम, नमक और हल्दी, 2 गिलास पानी। टमाटर और प्याज को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। 3-4 सीटी में ये अच्छे से गल जाता है और अब इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको एक बार ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर प्याज को बहुत महीन नहीं पीसना होता है, हल्का सा बस उसको मिक्स करने के लिए चलाना होता है। आप देख सकते हैं हमने टमाटर और प्याज को इस तरह से पीस लिया है, कुछ टुकड़े भी हैं। और अब हम रसम के लिए पहले तड़का लगाएंगे। उसके लिए मीठी नीम और सरसों के दाने को डाल के तड़के को चटकने दें, उसमें चुकंदर डाल दें। जब हमने टमाटर प्याज को पीसा था तो हमने हरी मिर्ची हटा दी थी। आप मिर्चा खाना पसंद करते हो तो आप उसमें पीस लें। और तड़का होने के बाद हम प्याज को 1 मिनट सौते कर लेंगे। और पिसा हुआ टमाटर प्याज, थोड़ी सी इमली, गुड़ और साथ ही कंसिस्टेंसी को देखते हुए पानी भी ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च और सांभर मसाला। खट्टा मीठा रसम खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं या चावल के साथ भी खा सकते हैं। गुड़ की जगह आप चीनी भी यूज कर सकते हैं। चुकंदर हमने केवल कलर के लिए डाला था, आप देख सकते हैं इससे कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। नमक आप चख के फिर ऐड कर लीजिएगा और चुकंदर को हम हटा देंगे। अब हम अपने चीला के लिए तड़का लगा रहे हैं, जिसमें कि मीठी नीम और सरसों के दाने हैं और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। घोल हमारा बिल्कुल रेडी है। इस समय अब इसमें हम नमक डालते हैं और जो वाइट विनेगर रखा था वो डाल देंगे। वाइट विनेगर डालने से इसमें थोड़ी खमीर हो जाती है और वो खट्टा बनता है। गर्मी के दिनों में वाइट विनेगर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तावे को गर्म कर लें और इसमें थोड़ा सा चीले का बैटर डाल के इसको अच्छे से फैला लें। घोल को हमने 3-4 घंटे धूप में रखा था, इससे वो थोड़ा परमानेंट हो जाता है। इंस्टेंटली भी बनाया जा सकता है। उसके लिए जब हम चावल दाल पीसते हैं उसी समय इसमें नमक, विनेगर और तड़का सब कुछ डाल के
15-20 मिनट के लिए भी रख देंगे तो वो अच्छे से परमानेंट हो जाएगा और फिर उसका हम चीला बना सकते हैं। थोड़ा मोटा बनाने पे चीला मुलायम बनेगा और अगर हम इसको पतला फैला देते हैं तो ये एकदम क्रिस्पी बनता है। ये रेडी है बिल्कुल सर्व करने के लिए। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।